निशासा काय कमजोर बुद्धिल अल्प बुद्धि मंद बुद्धि आप्राक्रमी अजितेंद्रिय होते हैं तो देश सिमटता है टूटता है। अरे उस बनने के लिए कुछ योग्यता चाहिए। खेती करने के लिए किसान में यदि योग्यता ना हो तो बीज भी जाएगा फसल तो होगी। दुकानदारी में योग्यता ना हो तो घाटा खाएगा। भाई हर काम के लिए योग्यता चाहिए। मैं फकीर हूं तो फकीर होने के लिए भी योग्यता चाहिए। फकीर का ज्ञान उसका ताप उसका जीवन उसकी साधना उसका चरित्र इतना पवित्र होना चाहिए कि कोई उसके ऊपर उंगली ना उठा सके सारी दुनिया का जीवन होता है। ये फकीर की योग्यता होती है। अरे जब फकीर बनने के लिए भी एक योग्यता चाहिए हिंदुस्तान का 125 करोड़ लोगों के इस देश का फकीर बनने के लिए तो बहुत बड़ी योग्यता चाहिए। तुम लोग बहुत तपस्वी हो मुझसे बहुत प्यार करते हो देश से बहुत मोहब्बत करते हो इसलिए आपसे कह रहा हूँ आप लोग फैल जाने चारों तरफ एक एक बूथ पर 10-10, 20-20 यूथ लोगों को घरों से बाहर निकालना और एक भी इस पापी पार्टी का व्यक्ति विधानसभा और लोकसभा में ना पहुंचे ऐसा। तो भाई बहनों अपने इस प्रदेश को बचा के रखना। हम अपने प्रदेश को भी बचा के रखेंगे और सब मिलकर के अपने देश को भी बचाएंगे क्योंकि ये देश किसी राजनीतिक पार्टी या किसी खानदान की बपोती और जागीर नहीं ये हम 125 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है। करीब 9 महीने जब तक विधानसभाओं का और लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाएगा मैं पतंजलि और पीठ वापस नहीं जाऊंगा। जन जन को जगाऊंगा पूरे देश में जाऊंगा भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए काला धन को लाने के इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ूंगा और सदैवासुर संग्राम में धर्म युद्ध में धर्म देवत्व तो जीतेगा असुर तो पराजित होगा। इसके लिए आपको भी काम करना है ये आह्वान करने के लिए आपके बीच आएंगे।